हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ आलू और ब्रेड से बहुत ही चटपटा नाश्ता, जिसे पहले आपने कभी नहीं खाया होगा और इसे बनाने में कोई ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगेगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच खड़ा जीरा, बारीक में कटी हुई दो पीस हरी वाली मिर्ची। जीरा को थोड़ा सा हम चटकने देंगे। जीरा चटक चुका है तब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम प्याज को लगातार चलाएंगे और इसे भूनेंगे। एक मिनट के बाद प्याज का कलर हल्का चेंज होने लगा है तब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर और प्याज को हम साथ में अच्छे से कुक करेंगे। तो टमाटर हल्का सा गलने लगा है तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे आधी चम्मच गोलकी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, और इन सभी मसालों को अच्छे से एक बार पहले मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगेंगे, थोड़े थोड़े मसाले ही इसमें डालना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, जिसे कि मैंने अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। आलू डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है प्याज और टमाटर के साथ। आलू मिक्स हो चुका है तब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस थोड़े से फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई धनिया की पत्ती। अच्छे से आलू को मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने हैं। अब आलू का जो मिक्सचर है हमारा वो बनके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे तीन चम्मच मैदा। नॉर्मल चम्मच से डालेंगे, जो खाने वाला चम्मच होता है। मैदा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसका एक घोल बनाएंगे। हमें मैदे की स्लरी बनानी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुलठियाँ ना पड़े। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो आपको जो मैदे की स्लरी बनानी है वो बहुत पतली नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो आपको कुछ इस तरीके की स्लरी बनानी है कि ये एक फ्लो में आपका गिरे। देखिए यहाँ पर एक मैंने घोल बना के इसका तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्ची को कूट कर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑर्गेनो। अब इस घोल को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लरी बनके भी तैयार है। अब हम एक दूसरी कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे दो चम्मच टमाटो केचप, एक चम्मच रेड चिली सॉस। अब इन दोनों सॉस को भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप अपने नाश्ते में पिज़्ज़ा वाले टेस्ट को लाना चाहते हैं तो इसमें आप डाल दें एक बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। इससे बच्चे काफ़ी इसे पसंद करेंगे और इसका टेस्ट भी एकदम पिज़्ज़ा की तरह हो जाएगा। तो मैं इसमें एक चम्मच पिज़्ज़ा सॉस मिला के मिक्स कर रही हूँ तीनों सॉसेस को। सॉसेस को अलग अलग लगाने से अच्छा है कि आप एक साथ इसे मिक्स कर ले, ऐसे आपको लगाने में आसानी होगी। अब हम ब्रेड लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का वाइट ब्रेड लिया है। आप ब्राउन ब्रेड या फिर बड़े स्लाइस ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम चारों तरफ से अच्छे से सॉसेस लगा देंगे। पतली सी लेयर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे। अच्छे से सॉस को मैंने चारों तरफ फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम ये आलू का मिक्सचर रखेंगे और इसका भी एक पतला सा लेयर चारों तरफ ब्रेड पे फैला देंगे। चारों तरफ अच्छे से इसे हम फैलाएंगे। स्पून से नहीं फैलेगा ये, आपको हाथ से ही अच्छे से इसे फैलाना पड़ेगा।
अब हम इस पे मैदे की स्लरी को अच्छे से ऊपर से रखेंगे। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से फैलाते हुए चम्मच की सहायता से चारों तरफ बराबर से ये मैदे की स्लरी लगनी चाहिए। तो ये एक ब्रेड मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम ब्रेड को बेक करने के लिए तवे को गैस पे चढ़ा देंगे। अब मैं तवे पे डालूंगी एक चम्मच घी, आप चाहो तो इसे बटर में भी बना सकते हैं। अब हम ब्रेड को जिस साइड से हमने मैदे की स्लरी और आलू की स्टफिंग की है उसी साइड से पलट कर रख देंगे तवे पे और मीडियम फ्लेम पे एक तरफ से अच्छे से इसे सिकने देंगे। तब तक हम ऊपर भी अच्छे से घी से इसे ग्रीस कर देते हैं। एक तरफ से जब ये अंदर से ब्रेड सिक जाएगा तो अपने आप ही ब्रेड जो है वो कॉर्नर को छोड़ने लगेगा। तो हम एक दो मिनट के बाद छोलनी की सहायता से इसे टर्न कर देंगे। देखिए हल्का सा गोल्डन इस पे कलर आने लगा था। अब दूसरे साइड से भी हम इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक बेक करेंगे। तो इसी तरीके से अलट पलट करते हुए हम ब्रेड को अच्छा गोल्डन होने तक इसे बेक करेंगे तवे पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ब्रेड टोस्ट बनके तैयार है। लग रहा है ना कितना यमी जूसी। अब इसी तरीके से हम बाकी के भी ब्रेड्स बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए और भी ब्रेड टोस्ट हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रेड टोस्ट बनके तैयार है। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा यमी लग रहा है ये देखने में और बच्चे तो इसे काफ़ी लाइक करेंगे। बहुत झटपट सी बनने वाली रेसिपी है और कुछ नया तरीके का नाश्ता भी है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर शाम में नाश्ते के रूप में खा सकते हैं या फिर कोई गेस्ट आए तो भी आप इसे बनाकर झटपट सर्व कर सकते हैं क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल हैं जो भी मैंने इसमें डाला है। आप इसे सॉस या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।